الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. बाब है अल इस्तिहामु अला तअदीन और हदीस का नंबर है 671। आवाज कम आ रही है? आवाज कम आ रही है? अगर कम आ रही है तो हम बुला लेते हैं, अगर सही आ रही है तो बता दिए। ठीक है, सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सेकंड ईयर में आवाज का मसला हो रहा है तो यहाँ आकर थोड़ा सो देख लीजिए। जी कि आवाज कुछ कम आ रही है जी, और कुछ कह रहे हैं कि आवाज ठीक है, कुछ कह रहे हैं कम आ रही है। आवाज सेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर आएगी। अल इस्तेहामु अला तअदीन, अदान पर कुरा अंदाजी, कुरा निकालना। कुरा निकालना समझते हैं, आसान आम उर्दू में इस्तेमाल होता है। 671 हदीस का नंबर है। अन अबी हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ यालमुन नासु, अगर लोग जान लें, अगर लोगों को मालूम हो जाए, मा क्या है यानी क्या अजर है, फिन निदाए अजान में, वसफिल अव्वल और पहली सफ में, तुम्मा लम यजिदू, फिर वो ना पाएं, यानी अजान देने का मौका उनको ना मिले या पहली सफ में नमाज पढ़ने का उनको मौका ना मिले, रश बढ़ जाए, इल्ला अन यस्तहिमू अलैहि, मगर ये कि वो उसके ऊपर कुरा डालें, लस्तहिमू अलैहि, तो अलबत्ता वो उसके ऊपर कुरा डालेंगे। माना ये है कि अगर लोगों को पता चल जाए कि अल्लाह ताला ने अजान देने में कितना बड़ा अजर रखा है, अगर लोगों को पता चल जाए कि अल्लाह ताला ने पहली सफ में नमाज पढ़ने में कितना ज्यादा अजर रखा है, तो लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी, अजान देने के लिए बहुत ज्यादा अफराद जमा हो जाएंगे और पहली सफ में नमाज पढ़ने के लिए लोगों का रश लग जाएगा, और फिर कुछ लोगों को ही जाहरी बात है पहली सफ में नमाज पढ़ने का मौका मिल पाएगा, और अजान देने के लिए किसी एक फर्द का इंतखाब करना होगा, तो लोग आपस में लड़ पड़ेंगे और कहेंगे कि अब उसका हल ये है कि हम कुरा डालते हैं। तो फिर हर अजान के मौके पर कुरा
कुरा अंदाजी की जाए और जिस कुरे के अंदर नाम निकले उसको अजान देने का मौका दिया जाए। और इसी तरह हर नमाज के मौके पर पहली सफ में नमाज पढ़ने के लिए कुरा अंदाजी करनी पड़े तो लोग ऐसा भी करेंगे, लेकिन लोगों को अगर मालूम हो जाए तो हम जो सुस्तियां करते हैं या अजान में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ने का जो अजर है वो हमें मालूम नहीं है, तो इसी वजह से हम नमाजों में अजान में कोताही कर देते हैं, बेरगबत इख्तियार करते हैं। वलौ यालमून, और अगर जान लें, मा फि तहजीर, क्या है जल्द आने में, मा फि तहजीर क्या है जल्दी आने में, यानी नमाज की तरफ जल्दी आने में क्या अजर है, लस्तबकु इलैहि, तो अलबत्ता लोग उसकी तरफ सबकत करें। यहां जो लफ्ज है मा फि तहजीर के जल्दी आने में क्या है, मुहद्दिसीन ने इसके दो मफहूम बयान किए हैं। एक ये है कि ये हर एक नमाज के लिए है और यही कुल ज्यादा राज़े है कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि हर मौके पर हर रोज हर नमाज उसके लिए जब अजान दी जाए तो अगर लोग जल्दी आ जाते हैं तो जल्दी आने में उनके लिए कितना बड़ा अजर है। फरमाया कि लस्तबकु इलैहि, तो अलबत्ता लोग उसकी तरफ सबकत करेंगे, जल्दी करेंगे, हर एक की कोशिश होगी कि मैं सबसे पहले मस्जिद के अंदर पहुंचूं। और दूसरा इसका मफहूम ये बयान किया गया है कि ये जुम्मे के दिन के साथ खास है, यानी अगर लोगों को पता चल जाए कि जुम्मे के दिन जल्दी आने में जुम्मे की नमाज के लिए अल्लाह ताला ने क्या अजर रखा है तो लोग जल्दी करें, लेकिन दुरुस्त बात यह है कि यह हर नमाज के लिए है। वलौ आलिमु मा फिल आतमति वसुबह लअतौहुमा वलौ हबवन, और अगर उनको मालूम हो जाए कि इशा की नमाज में और सुबह की नमाज में क्या अजर है, लअतौहुमा, तो अलबत्ता लोग उन दोनों नमाजों को आएंगे, वलौ हबवन, अगरचे सुरीन के बल, यानी बैठने की जगह पर घिसट कर वो अगर पहुंचेंगे, तो अगर उनको ऐसा भी करना पड़े यानी चलने की उनके अंदर ताकत ना हो, घिसट घिसट कर तकलीफ से अगर मस्जिद के अंदर आकर पहुंचें तो फिर भी वो ऐसा करेंगे। बिलफर्ज अगर ऐलान हो जाए कि आज इशा की नमाज जितने भी अफराद हैं जो भी आकर बाजमात नमाज पढ़ेंगे हर बंदे को 1,00,000 रुपए इनाम दिया जाएगा जो भी हो, तो आप क्या समझते हैं कि क्या कोई बीमार बहाना बनाएगा कि नहीं मैं तो बीमार हूं मैं उठ नहीं सकता, कोई माजूर बहाना बनाएगा कि मेरे लिए तो वैसे ही उजर है मैं चल ही नहीं सकता मैं तो वैसे व्हील चेयर पर चलता हूं, किसी के पास कोई बहाना होगा नहीं, अंधा हो मंडा हो लंगड़ा हो जो भी हो आकर पहुंच जाएंगे, सबसे पहले आकर जो वो पहली सब के अंदर खड़े होंगे। हुकूमत की तरफ से ऐलान हो, लस्तबकु इलैहि, तो अलबत्ता उसकी तरफ सबकत करेंगे। वलो आलिमु मा फिल आतमति, और अगर लोगों को मालूम हो जाए कि आतमा अंधेरे वाली नमाज यानी ईशा की नमाज उसमें क्या अजर है, वसुबह और फजर की नमाज में, लअतौहुमा, अलबत्ता वो उन दोनों को आएंगे, वलो हबवन, अगरचे घिसट कर या अगरचे सुरीन के बल या अगरचे घुटनों के बल, जो भी लफ्ज आसान आपको लगे। तो ये हदीस का नंबर है 671। यहाँ कई एक सवाल पैदा होते हैं, सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ हदीस में जो अजर बताया गया है अजान का और पहली सफ में नमाज का, एक शख्स मिसाल के तौर पर आता है और पहली सफ मुकम्मल हो चुकी है और वो दूसरी सफ के अंदर आकर खड़ा हो गया, दूसरी सफ भी तकरीबन मुकम्मल है, अब वो जैसे ही नमाज शुरू होती है तो पहली सफ के अंदर जगह बन जाती है, बाद में आने वाला शख्स पहली सफ के अंदर चला जाता है, जबकि जैसे ही अजान हुई तो लोग आकर पहली सफ के अंदर भी बैठ गए दूसरी सफ के अंदर भी बैठ गए। एक शख्स मस्जिद में उस वक्त दाखिल होता है कि जब नमाज खड़ी हो चुकी है और उसको पहली सफ में नमाज पढ़ने का मौका मिलता है, क्या उसके लिए भी ये अजर है या ये अजर मस्जिद में पहले आने वालों के लिए है?
अब सवाल का जवाब हाँ या ना में दें कि उसके लिए ये पहली सफ का अजर है या नहीं है। अगर उसकी कोशिश थी, अगर उसने कोशिश की कि मुझे पहली सफ में नमाज पढ़ने का मौका मिले, उसको हिर्स थी, उसने कोशिश भी की, किसी उजर की वजह से वो पीछे रह गया और बाद में आ गया, और उसको पहली सफ में मिले या दूसरी सफ में जगह मिले, उसके लिए पहली सफ का अजर है। जो भी नियत करके आएगा पहली सफ में नमाज पढ़ने के लिए, चाहे उसको आखिरी सफ में जगह मिले, लेकिन अगर उसकी नियत ये थी कि मुझे पहली सफ में जगह मिले, तो उसके लिए ये अजर है, चाहे वो दूसरी सफ में पढ़े, तीसरी सफ में पढ़े। बस औकात मस्जिद की जो सफ़े होती हैं छोटी होती हैं, पहले ही एक सफ भर गई, बंदा इस नियत से आया, तो वो कभीदा खातिर ना हो, अपने दिल के अंदर वो अपने आप को मलामत ना करे कि मुझसे पहली सफ रह गई। तो ये अल्लाह ताला के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये दुनिया के कुछ कवानीन होते हैं कि जो इस मयार पर पूरा उतरा तो उसके लिए ये चीज़ है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ बंदे ने नियत की तो उसके लिए भी वो अजर मौजूद है। बाकी यह है कि इत्तेफाक से जैसे एक उस्ताद आता है, शागिर्द आगे खड़े होते हैं, तो फिर वो उस्ताद को आगे जगह दे देते हैं एहतरामन, तो इस बात में तो यानी फर्क मौजूद है कि एक यानी मस्जिद के अंदर दो फर्द दाखिल होते हैं, दोनों की नीयत सफ़े उला की नहीं है, दोनों की नीयत सफ़े उला की नहीं है, उनमें से एक पीछे खड़ा हो गया और दूसरे को आगे जगह मिल गई, दोनों के मर्तबे तो फर्क है, लेकिन एक जो बंदा जो पहले से नीयत करके आया है वो कहीं पर भी खड़ा हो जाए उसके लिए पहली सब का अजर है। तो दूसरा सवाल ये है कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि नमाज में जल्दी आने में क्या है तो उसकी तरफ सबकत करेंगे, और अगर उनको मालूम हो जाए कि आतमा में क्या है, ईशा की नमाज, पीछे हमने लफ्ज पढ़ा था, ये बाब हदीस पढ़ी थी, क्या ईशा के लिए लफ्ज आतमा का इस्तेमाल नापसंदीदा है, लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही ये लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, इसके पीछे क्या वजह है? सही, सवाल अगर ये हो कि लफ्ज या आतमा का इस्तेमाल ईशा के लिए जायज है, मकरूह है, मुबाह है, हराम है, तो क्या हुक्म है इसका? मुबाह है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने खुद ही ये लफ्ज इस्तेमाल किया। ठीक है, तो आप अलैहिस्सलाम ने जो मना किया था वो देहातियों के साथ मुशाबहत से बचने के लिए, दूसरी इसकी यहां पर इस्तेमाल करने की वजह वो हिकमत थी, और वो हिकमत ये थी कि जो देहाती लोग थे वो ईशा की नमाज को भी, मगरिब की नमाज को भी वो ईशा कहते हैं, पीछे हदीस से गुजर हदीस के में गुजरा है ना कि वो अल ईशा अल अव्वल कहा करते थे। अगर आप अलैहिस्सलाम ये फरमा देते कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि ईशा में और फजर में क्या अजर है, तो लोग मुमकिन है कि इस ईशा से मुराद मगरिब की नमाज समझते, तो यहां पर लफ्ज आतमा का इस्तेमाल जवाज के लिए इस्तेमाल किया कि ये जायज है, इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरी इसके पीछे वजह ये थी कि ताकि बात बिल्कुल वाज़ह तौर पर उनके सामने आ जाए कि आतमा का इस्तेमाल सिर्फ ईशा पर होता है, अगर ईशा का इस्तेमाल होता तो मुमकिन लोग इसके अंदर मगरिब भी दाखिल करके और मगरिब भी समझ सकते थे, तो मगरिब को निकालने के लिए वो लफ्ज इस्तेमाल किया कि जिसमें किसी और का एहतमाल मौजूद नहीं है। सहाबा को ये समझान में आता था। ठीक है, सही, नमाज नहीं जुम्मे की नमाज, तहजीर जुम्मे की नमाज, या फिर यह है कि इससे मुराद है कि हर नमाज में पहले से पहुंचना। सही, आपने किनके पास पढ़ा है? सही, यही हदीस पढ़ी है सुनन नसाई।
यह आपने पढ़ लिया इस क्लास में? अच्छा ठीक है, अगली हदीस है इत्तिखादुल मुअज्जिन अल्लज़ी ला याखुदु अला अदानिही अजरन। ये जो बाब है इसके अंदर जो हदीस है वो 672 है, इत्तिखादुल मुअज्जिन, ऐसा मुअज्जिन बनाना, ऐसा मुअज्जिन मुकर्रर करना, अल्लज़ी ला याखुदु अला अदानिही अजरन, जो अजान पर उजरत ना लेता हो, जो अजान पर उजरत ना लेता हो। हमारे यहाँ जो मुअज्जिन हैं वो तो उजरत लेते हैं, तो अजान पर, इमामत पर या दीनी तालीम पढ़ाने और इस तरह कुरान करीम की तालीम देने पर उजरत का जवाब है कि नहीं है? अगर हम बात करें यहाँ पर सिर्फ मुअज्जिन का जिक्र है, तो मुअज्जिन जो होता है ना वो सिर्फ अजान नहीं देता। यहाँ पर हमारा जो मुअज्जिन होता है वो सिर्फ ये नहीं कहता कि मैं क्योंकि नमाज अजान दे रहा हूँ तो सिर्फ मेरा काम है आकर सिर्फ अजान देना, नमाज पढ़ना और चले जाना, और अजान देने की वजह से उजरत लेता हो, ऐसा तो कोई भी नहीं करता। तो ये अजान पर उजरत नहीं होती, ये दीगर खिदमात पेश करने पर उजरत होती है, बिलखसूस अपना वक्त देना। और ये सहाबा कराम के दौर में ही ये मामला यानी शुरू हो चुका था कि जिन्होंने अपने आप को वक्फ किया हुआ था, ताबईन के दौर में बिलखसूस, तो बैतुल माल से उनकी किफालत की जाती थी, उनका जो वजीफा मुकर्रर होता था। तो इससे पता चलता है कि ये असल में हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि जिन्होंने दीनी आमाल के लिए खुद को वक्फ किया हुआ है कि जिनका फायदा उनको मुतअद्दी हो। यानी एक है ना, बंदा नमाज पढ़ रहा है, अब नमाज पढ़ने पर तो कोई भी उजरत नहीं लेता कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ लिहाजा मुझे तनख्वाह दो, पढ़ाना, और इस वजह से उन्होंने अपने आप को इसी काम के लिए वक्फ किया हुआ है। तो ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, एक इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी कि इन अफराद की किफालत करें, और अगर नहीं करते तो फिर जो बैतुल माल के अलावा हट कर जो एक इलाकाई सतह पर जो मुखय्यर हजरात हैं, तो फिर ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के मामलों की हौसला अफजाई के लिए अपना किरदार अदा करें मसाजिद के अंदर। मैं कल ही जो एक वीडियो देख रहा था, एक छोटी सी वीडियो थी, तो मेरे ख्याल में कोई इंडियन कवाल था, तो वो जो ना वो बयान कर रहा था, कह रहा था कि मैं महीने के ना 3 लाख रुपए लेता हूँ, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि मेरे चेहरे पर फिटकार है, वो खुद कह रहा था। ताकि एक मस्जिद का जो मौलवी होता है ना, 4-5 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह होती है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि उसका चेहरे के ऊपर नूर होता है। फिर उसकी वजह दी, कहा कि हम जो ना वो जो लेते हैं ना, ये लोगों को गुमराह करके झूठ बोलकर हम कमाते हैं, जबकि वो लोगों को दीन पढ़ाकर जो है वो अपने आप को उन्होंने वक्फ किया होता है। तो इन अफराद की किफालत की जिम्मेदारी फिर अहले इलाके के ऊपर है। तो मैं सोच रहा था कि एक कवाल को तो पता चल गया कि यानी एक इमाम जो है, एक आलम दीन, उसका जो है वो मुआशरे के लिए किस कदर अहम मकाम है, लेकिन जो मस्जिद और मदरसे के इंतजामिया होते हैं ना, बिलखुसूम उनको जो है वो समझ नहीं आता। यहाँ शहरों के अंदर मामला फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो एक आलम होता है उनको यानी उनकी ज़रूरियात बहुत बेहतरीन तरीके से यानी मामला उनके चल रहे होते हैं। लेकिन जो गांव देहात में बिलखसूस मसले हैं नाकाबिले बयान हद तक, यानी मौजूदा दौर में क्या तनख्वाहें हैं? 12,000 रुपये मौजूदा दौर में, कोई तस्वर कर सकता है? और लोग इसमें गुजारा कर रहे हैं, 7-7, 8-8 बच्चे, मैं जानता हूँ इस तरह के अफराद को, 8 बच्चे हैं 7 बच्चे हैं, एक बेटी थी शादी हो गई, बाकी बच्चे सारे बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, सारे बच्चे तकरीबन बालग हैं, कुछ बच्चे छोटे हैं, 12,000 रुपये तनख्वाह। तो ये जो ना वो हशर किया हुआ, जुल्म ढाया हुआ है, और मस्जिद की आराइश आए दिन रंग रोगन, और फिर दीगर मसरूफियात, तो ये टाइल पुराना हो गया तो नया टाइल लगवाएं, बहुत सारे अखराजात मस्जिद के अंदर निकल आते हैं, सबके लिए पैसा होता है, लेकिन वहाँ जो गोश्त पोस्त का जो इंसान बैठा होता है उसकी ज़रूरत का ख्याल नहीं होता। तो बहरहाल ये जो अपने आप को उन्होंने जो वक़फ़ किया हुआ होता है ना, तो इस वक़फ़ करने की वजह से उनकी किफालत की जिम्मेदारी फिर हुकूमत वक्त या फिर जो मस्जिद की इंतजामिया, मदरसे की इंतजामिया, उनके ऊपर लागू होती है। तो ये पढ़ने पढ़ाने की इसी कीमत अदा कौन कर सकता है? कोई अदा नहीं कर सकता है, तो क्योंकि ये तो ये बेशबहा कीमत, इसकी तो कीमत का कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता। तो जो वो जो अपना वो वक्त सरफ कर रहे होते हैं ना, तो फिर इस वजह से उनके लिए मुआवजा लेना जायज़। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कहते हैं कि उनके लिए मुआवजा लेना जायज़ नहीं है, इसलिए शायद अहनाफ के यहाँ ये मामला पता नहीं मौजूदा दौर में क्या सूरत हाल है,
लेकिन दीगर आइम्मा का ये फतवा मौजूद है, बिलखुसूस इमाम शाफी रहमहुल्ला का, वो कहते हैं कि दीनी उमूर पर उजरत का जवाब मौजूद है और ये खैरुल कुरून के अंदर ही शुरू हो चुका था, तो बतौर किफालत के। हाँ, एक वो शख्स है कि जिसके पास बकदर कफाफ मौजूद है, यानी उसके पास ज़मीन है या अपना कारोबार है या कोई उसको विरासत में कोई चीज़ मिली हुई या उसके वालदेन या उसके भाई उसको सपोर्ट करते हैं, तो अब फिर भी वो वहाँ से ले तो ये उसके लिए नापसंदीदा मामला है। यानी किसी मदरसे से, किसी मस्जिद से या इमामत से या खिताबत से किसी भी जगह पर वो दीनी काम करके फिर भी उजरत ले रहा है हालांकि वह मुस्तगनी है, तो फिर उसके लिए ये दुरुस्त नहीं है, नापसंदीदा है। बेतुल माल क्या होता है? बेतुल माल क्या होता है जी? क्या कहते हैं आप, क्या कह रहे हैं? सही, 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 अब देखिए यहाँ मौजूदा दौर में हर बंदा उसकी ज़रूरियात अलग अलग है, ठीक है ना। अगर गांव देहात का अगर कोई शख्स है ना, तो मुमकिन है कि उसके लिए 20,000 में गुजारा सही हो जाए, लेकिन मुमकिन है कराची के अंदर रहने वाला, बिलखुसूस अगर उसके 2-3 बच्चे भी हैं और अगर अपना घर है या इंतजामिया की तरफ से मिला हुआ है, तो मुमकिन है कि उसके लिए 60,000 रुपये मुनासिब उसका गुजारा हो सके। तो हर एक की ज़रूरियात मुख्तलिफ हैं। जी हाँ, सही सही, इदारा उसको क्या दे रहा है मिसाल के तौर पर, अंदाजा। बहरहाल ये हर एक बंदे की अपनी अपनी जरूरियात हैं, और माल का मामला तो ये नहीं कि आप अलैहिस्सलाम फरमाने कि इन माल हुलवतुन खुदिरतुन खदिरतुन, कि माल जो है वो मीठा होता है, सरसब शादाब होता है, तो ये अपनी तरफ हर बंदे को खींचता है। तो मौजूदा दौर में तो जितना भी हो कम है, जरूरियात बढ़ती चली जाती हैं। मैं माइक यूज कर नहीं कर रहे स्टूडेंट, यहाँ जो है वो आपको स्क्रीन पे शोर नहीं हो रहा, आइंदा आपके ऊपर जो वो कह रहे कि जुर्माना आयद करें, इसलिए बिलखसूस मेरी सोच जाती तौर पर ये है, यानी क्योंकि ये भी हम हदीस पढ़ रहे हैं तो ये बात आई है तो जिक्र कर देते हैं कि अगर किसी बंदे ने दीन के लिए काम करना है ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बकदर कफाफ जो उसको मिल रहा है उसी पर वो कनात करे, लेकिन कुछ ना कुछ सेविंग करके और कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसे इत्तेफाक से कुछ लोग मिल जाते हैं कि आप अपनी जमा पूंजी उनके हवाले कर दें और भले थोड़ा सा ही सही, लेकिन रिज़्क हलाल आपको घर बैठे मिल रहा हो, अगर कोई इसी शक्ल बन जाती है ना, तो ये सबसे बड़ी नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ऐसे लोग मिलते बड़े कम हैं, धोखे जो ना वो ज्यादा होते हैं। इत्तेखादुल मुअज्जिन, अच्छा जी हाँ, कुछ उलमा जो है ना, ये कुछ को हमने देखा है कि वो थोड़े बेबाक होते हैं इस बयान इस मसले में, क्योंकि वो अवामुन नास की जो ना हरकतों से तंग आए हुए होते हैं। तो एक तो ये है कि जिस तरीके से पंजाब के एक मशहूर आलिम है, नाम लेना मुनासिब नहीं है, तो बाकायदा उनकी फीस है और उन्होंने फीस मुकर्रर की हुई है, सब लोगों को पता है और यूट्यूब पर वीडियोस भरी पड़ी हैं, वो खुद जो ना मुंह फाड़ कर वो मुतालबा करते हैं। अब ये अंदाज भी नामुनासिब है, यानी यूं समझे कि इसमें और जो है वो ड्रामों में काम करने वाली अदाकारों में, तो उनके अंदर क्या फर्क रहा। बाकी ये है कि एक मुनासिब, हाँ मुनासिब तरीके से अगर उसको मिल रहा है उसका आने जाने का खर्चा वगैरह, तो फिर यानी
लेकिन लोग जो ना बस औकात ये भी नहीं करते, जिनका आपने नाम लिया ना अभी कि हमारे यानी वो थोड़े बेबाक हैं, तो उनका मामला भी यही है कि लोग जब एहसास नहीं करते ना तो फिर उनको मुतालबा करना पड़ता है। बहरहाल मैं ज़ाती तौर पर इसको भी नापसंद समझता हूँ कि बंदा सब्र कर ले, क्योंकि ये एक आलिम के वकार की मुनाफी है ये बात कि किसी जगह जाए और अगर उन्होंने किराया नहीं दिया या फिर एक उन्होंने कोई खिदमत ना की तो खड़े होकर उनसे मुतालबा करें। सही, ठीक है, बारकल्ला। एक माइक बंद है। अच्छा, ये बेतुल माल के बारे में सवाल था। बेतुल माल होता क्या है कि अगर इस्लामी खिलाफत कायम होती है तो इस्लामी खिलाफत के मातहत एक शोबा होता है और इसमें माल जमा होता है। उसके जो जराए जो होते हैं उनमें से सबसे पहले नंबर पर कि अगर जिहाद किया जाता है और जिहाद से जो माल गनीमत हासिल होता है तो मुजाहिदीन में तकसीम करने के बाद जो कुछ बचता है तो वो उसके अंदर जमा होता है। दूसरे नंबर पर उसके अंदर जक़ात, जक़ात का जो है जो अहम तरीन जो मसरफ है, तो जक़ात को इनफरादी तौर पर देने की बजाय अगर बैतुल माल कायम है तो वहाँ पर दिया जाए ताकि वहाँ से फिर गुरबा फ़ुकर और मसाकिन, क्योंकि ऐसा भी होता है कि बस औकात एक मिस्कीन को बहुत कुछ मिल चुका होता है और किसी मिस्कीन को कुछ भी नहीं मिलता, तो बैतुल माल से एक तरतीब के साथ जो है वो जाता है उसके जो है मसारफ में बेवाएँ यतीम मिस्कीन और दीगर। और इसी तरह अगर एक मुसलमान मुल्क के अंदर गैर मुस्लिम रहते हैं तो उनके ऊपर हुकूमत वक़्त टैक्स जो है वो आयद करती है उनको सहूलियत फराहम करने के लिए, तो फिर वो जो टैक्स जो वसूल करती है तो वो भी बैतुल माल के अंदर जमा होता है और वो भी मुसलमानों की मसाले के ऊपर सरफ किया जाता है। फीमेल मेल का कोई चक्कर नहीं है यहाँ, हर एक के लिए जो है वो यानी जायज़ है। हर एक बंदा अपनी ज़रूरियात के बकदर मुआवजा ले सकता है, इसमें मर्द और औरत की कोई तमीज़ नहीं है। आज के दौर में भी ले सकते हैं। इत्तिखादुल मुअद्दिन अल्लज़ी ला याख़ुदु अला अदानिही अजरन हदीस है जी। अन उस्मान इब्न अबिल आस क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, उस्मान बिन अबिल आस रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजअलनी इमाम कौमी, आप मुझे मेरी कौम का इमाम बनाएं। फ़क़ाल अंत इमामुहुम, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम उनके इमाम हो, यानी उनको इमाम बना दिया। इससे पता चला कि अगर बंदे के अंदर किसी काम के करने की अहलियत मौजूद है और वो समझता है कि मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी अदा कर सकता हूँ तो वो उस जिम्मेदारी का मुतालबा कर सकता है। फिर आगे फरमाया वक्तद बे अदअफहिम, जो उनमें से सबसे ज्यादा कमजोर हो तुम उसकी इक्तदा करना, हालांकि इमाम तुम हो लेकिन तुम उसकी इक्तदा करना माना है कि उसकी जरूरियात का नमाज के दौरान ख्याल रखना कि ये कितना खड़ा हो सकता है, कितना रुकू कर सकता है, कितना सजदा कर सकता है, कितनी लंबी नमाज ये बर्दाश्त कर सकता है, कि तुमने उनमें से जो सबसे ज्यादा कमजोर है उसकी तुमने इक्तदा करनी है। वत्तखिज़ मुअज़्ज़िनन, और ऐसा मुअज़्ज़िन बनाओ, ऐसा मुअज़्ज़िन लो, ला याख़ुदु अला अज़ानिही अज़रन, जो अपनी अज़ान पर उजरत ना लेता हो। लेकिन ये जो हुक्म है ये उसको कराहियत पर महमूल किया जाएगा, तहरीम के लिए नहीं है कि अगर कोई बिलफर्ज सिर्फ अजान देता है और उसके लिए भी कहता है कि मुझे उजरत चाहिए तो उसको दी जा सकती है, जायज है, अगर जो को और कोई जिम्मेदारी अदा नहीं करता यह हराम नहीं है। बिल्कुल, एक सवाल, एक हदीस गुजरी थी जिसमें ये चीज पसंद नहीं किया था कि इंसान किसी ये अपने मुतालबा करे। शेख हमने लास्ट ईयर एक हदीस पढ़ी थी जिसमें जिम्मेदारी मांगना, जी हाँ, जिम्मेदारी मांगना मना है इब्तदाई तौर पर, लेकिन अगर समझ रहा है मिसाल के तौर पर कि इस इलाके में
जो काम की जरूरत है या इस ओहदे के लिए मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, तो इसके लिए मुतालबा किया जा सकता है। सबसे बड़ी दलील कुरान करीम की सूरह यूसुफ, उसके अंदर है कि उन्होंने खुद मुतालबा किया था, क्योंकि उनको उन्होंने अपने अंदर इस बात के लिए अहलियत को महसूस किया था। बजात खुद ओहदा मांगना ये खुद नापसंदीदा है, लेकिन अगर जरूरत है और उसके लिए बंदा समझता है कि मैं इसके लिए यानी जिम्मेदारी अदा कर सकता हूं, तो फिर ठीक है। जी को क्या सवाल है? ठीक है। अलकौलु मिसलमा यकूलुल मुअद्दिनु, अलकौलु कहना, मिसलमा यकूलुल मुअद्दिनु उसी ही की मिसाल जो मुअज्जिन कहता है। जैसे मुअज्जिन कलमात अदा कर रहा है, तो उन्हीं की तरह कलमात अदा करना। हदीस के जाहिर से ऐसा लगता है कि जैसे ये सारे कलमात अजान कहने के बाद कहने हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मुअज्जिन जो जो कलमा कहे तो उसी तरह वो कलमा अदा करना है, सिवाय हय्या अला सलाह और हय्या अला फलाह के। अन अबी सईद अल खुदरी रदी अल्लाहु अन्हु अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि इदा समयतुम निदा, जब तुम अजान सुनो, फकूलू बस तुम कहो, मिसलमा यकूलुल मुअद्दिनु जैसे मुअज्जिन कहता है। जिस तरीके से मुअज्जिन कलमात अदा कर रहा है, तुम भी उसके साथ साथ वैसा ही कहो। अगर मुअज्जिन अजान दे रहा है और हमें पता है कि मुअज्जिन अजान दे रहा है, चाहे उसकी आवाज शुरू से ही नहीं आई, जैसे हम किसी को देख रहे हैं कि अजान देने के लिए खड़ा हुआ है और हमें उसकी आवाज नहीं आ रही, या अजान दे रहा था और दरमियान में लाइट चली गई और अजान की आवाज आना बंद हो गई, तो फिर क्या करेंगे? क्या हम अपने तौर पर पूरी अजान पढ़ सकते हैं? जैसे हम किसी को देख रहे हैं कि बंदा वो छत के ऊपर खड़े होकर अजान दे रहा है, जैसे पहले दौर के अंदर मीनारों के ऊपर, जो मीनार जो हम मस्जिदों के नजर आते हैं, इसके पीछे भी वजह यही थी। मस्जिद के मीनार जो बनाए जाते थे, उसके पीछे एक मकसद तो ये था कि पता चले ये अलामत हो कि ये मस्जिद है, और दूसरा ये कि उस मीनारों के ऊपर खड़े होकर अजान दी जाती थी ताकि आवाज दूर दूर तक जाए। अगर हमें कोई मुअज्जिन बिलफर्ज इस कैफियत में नजर आता है कि वो अजान दे रहा है लेकिन आवाज हमें पहुंच नहीं रही, या फिर ये कि अजान दे रहा था और आवाज कट गई और उसके बाद आधी अजान हमने सुनी ही नहीं, तो इस सूरत में क्या हम अपनी तरफ से पूरी अजान या आधी अजान कह सकते हैं? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। ये मतलब नहीं है, मतलब ये है कि जिस तरीके से यहाँ अजान आ रही है नीचे, हम यहाँ बैठकर अजान का जवाब दे रहे थे, दरमियान में लाइट चली गई, आवाज आना बंद हो गई, हम यहाँ बैठकर जवाब दे रहे थे, तो अब हम अपनी तरफ से उस अजान क्या का कंप्लीट अपनी तरफ से जवाब देंगे जबकि आवाज भी हमें नहीं आ रही? जिम्मेदारी तो पहले भी नहीं थी, लेकिन अगर ऐसा करना चाहें तो अजान का जवाब दे सकता है। बिल्कुल, उसको सिर्फ इतना हो कि अजान हो रही है, भले वो अजान की आवाज को सुनाई दे या ना दे। तो इसके अंदर ये मसला भी दाखिल है कि भले अजान हमने आधी सुनी हो या फिर ये कि पता चले कि अजान हो रही है लेकिन हम सुन नहीं पा रहे, तो हम उस अजान को अपनी तरफ से पूरा दोहरा कर उसका जवाब दे सकते हैं अजान के सवाब को हासिल करने के लिए। जी इसी तरह बहरा शख्स है, मिसाल के तौर पर अगर बहरा शख्स है, उसको पता चला कि फला बंदा अजान दे रहा है और वो अजान का जवाब देना चाह रहा है, तो वो कैसे देगा? बिल्कुल अंदाजा लगा कर वो अपनी तरफ से कलमात अदा कर देगा। तो उजर की सूरत में आप अपनी तरफ से पूरी अजान का जवाब दे सकते हैं। इस हदीस के जाहिर से लगता है कि जैसे मुअज्जिन कह रहा है, तुमने भी वैसे ही कहना है, जबकि आगे वजाहत आ रही है कि कुछ जुमलों की इस्तिसना मौजूद है और वो है हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल्फलाह। सवाबु दालिका, अजान का जवाब देने का क्या सवाब है? यह हदीस हसन दर्जे की है। अन अबी हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु यकूल,
कुन्ना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाम बिलालुन युनादी। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अनु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, बस बिलाल रसूलानु खड़े हुए अजान दे रहे थे। फलम्मा सकता, बस जब वो खामोश हो गए, काल रसूलुल्लाह, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ से पता चला कि अगर जिस अजान का आपने जवाब देना है तो तालीम को उस दौरान आप मौकूफ करके और आप बाद में भी उसकी तरगीब बयान करें। फलम्मा सकता, जब बिलाल रसूलुल्लाह खामोश हो गए तो फिर आप अलैहिस्सलाम फरमाया, मन काल मिस्ल हादा यकीनन दखल जन्नत, जिस बंदे ने इस जैसा कहा यकीन के साथ, यानी कलमात अदा कर रहा हो दिल की गहराइयों के साथ, दिल के यकीन के साथ, तो फिर ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल होगा। वत्तखिद मुअज्जिनन ला याखुदु अला अदानिही अजरन, और ऐसा मुअज्जिन बनाओ कि जो अपनी अजान पर उजरत ना लेता हो, मुआवजा ना लेता हो। शेख साहब, ये अगर हम इस जुमले को यहाँ मुख्तसर कर दें, मन का मिसल हाजा, और फिर इस यकीन को जो है दखल अल जन्ना के साथ मिला दें, तो ये माना सही देगा? दखल अल जन्नत यकीनन, यकीनन नहीं, दखल अल जन्नत, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। यानी ये कलमात जब अदा कर रहा हो तो उसको पता हो कि वो क्या कह रहा है, और कलमा तौहीद की गवाही दिल की गहराइयों के साथ दे, ये मतलब है। القول مثل ما يتشهد المؤذن, القول कहना مثل ما يتشهد المؤذن, उसी ही की मिसल जो मुअज्जिन गवाही दे रहा है। عن مجمع بن يحيى الانصاري قال كنت جالسا عند ابي امامه بن سهل بن حنيف, مجمع بن يحيى الانصاري رحمه الله فرماتے ہیں کہ मैं अबू उमामा बिन सहल बिन हुनैफ के पास बैठा हुआ था। फअज्जन अल मुअज्जिनु, तो मुअज्जिन ने अजान दी। फकाल अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फकबर इथनतैन, मुअज्जिन ने जब कहा ना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो अबू उमामा ने भी दो मरतबा तकबीर कही। फकाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जब मुअज्जिन ने ये कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अबू उमामा ने दो मरतबा तशहुद अदा किया, तशहुद का कलमा पढ़ा, यानी उन्होंने दो मरतबा गवाही दी। फकाला, मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, फतशहदतैन, तो उन्होंने भी दो मरतबा गवाही दी, यानी अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह दो मरतबा कहा। तुम मकाल, फिर फरमाया हद्दतनी हाकदा मुआविया इब्न अबी सुफयान अन कौल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मुझे मुआविया बिन अबी सुफियान रदी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से ऐसी ही हदीस बयान की कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इसी तरह मुअज्जिन की अजान का जवाब दिया। यहाँ पर अगरचे हदीस मुकम्मल नहीं है, लेकिन मतलब यह है कि अजान का इसी तरीके से पूरा पूरा जवाब देना है, और जैसे मुअज्जिन जुमला अदा करे उसके साथ साथ ही मुअज्जिन की अजान का जवाब देना है। अगली हदीस है, अन मुआविद रदियल्लाहु अन्हु यकूलु समियतु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व समिअल मुअज्जिन फकाल मिस्ल मा काल, फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुअज्जिन को सुना तो आपने उसी ही की मिसल कहा जो उसने कहा। यहाँ पर भी उमूम है, लेकिन अगली हदीस से पता चलेगा कि पूरी अजान जिस तरह मुअज्जिन दे रहा है उसी तरह जवाब देना है, या कुछ अल्फाज में तब्दीली भी होगी। जी हाँ, उम्मे मुज़म्मिल, आपका जवाब इस हदीस के अंदर है, अल क़ौलु इज़ा क़ाला अल मुअज्जिनु हय्या अलस सलाते हय्या अलल फलाह, जब मुअज्जिन ये कहे हय्या अलस सला हय्या अलल फलाह, तो उस वक़्त क्या कहना है, यह इस बारे में हदीस है। हदीस का नंबर है 677। जी सकत अन हुशेख, यानी अल्लामा अल्बानी रहिमहुल्ला ने इस हदीस पर कोई हुक्म नहीं लगाया। अन अलकमत इब्न वक्कास कहा
इन्नी عند معاويه الكما بن وقاص फरमाते हैं कि मैं मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के पास था, इद अदन मुअद्दिनहु, तो अचानक उनके मुअज्जिन ने अजान दी। فقال معاويه كما قال المؤذن, तो मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने भी उसी तरह कहा जिस तरह मुअज्जिन ने कहा। हत्ता اذا قال حي على الصلاه, यहां तक के जब मुअज्जिन ने कहा अजान में حي على الصلاه, तो मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। क्या माना है इसका? ला हौल, हाल यहूलु हौलन का माना होता है फिरना, फिरना, बचना। और कुव्वत मारूफ, मारूफ है, ताकत को बोलते हैं। नहीं है बचना और नहीं है ताकत मगर अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला की तौफीक से। माना ये कि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, नहीं है गुनाह से बचने की ताकत, वला कुव्वत और ना नेकी करने की ताकत। ला हौला, नहीं है गुनाह से बचना, वला कुव्वत और ना नेकी करने की ताकत, इल्ला बिल्ला मगर अल्लाह के साथ, अल्लाह की तौफीक से। अगर अल्लाह ताला तौफीक दे तो बंदा गुनाह से बच सकता है, अल्लाह ताला तौफीक दे तो बंदा नेकी का काम कर सकता है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, ये इतना ही कहना है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम नहीं कहना, सिर्फ इतना ही कहना है। फलम्मा काल, जब मुअज्जिन ने कहा हय्या अलल फलाह, तो قال معاويه رضي الله عنه نے کہا لا حول ولا قوه الا بالله, کیونکہ جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ نماز کی طرف آؤ, کامیابی کی طرف آؤ, تو اس کا جواب کیا ہے کہ کامیابی کی طرف, نماز کی طرف وہی بندہ آئے گا کہ جس کو اللہ تعالی توفیق دے, یہ جو ہے اس کا مطلب ہے, اس کا مفہوم ہے۔ یہاں لا حول ولا قوه, یہ جو لفظ ہے لا, इसकी वजह से हौल पर नसब आई है और कुव्वत पर भी ला की वजह से नसब आई है। तो इस ला को क्या कहा जाता है? जी ला इंडफी जिंस, ला इंडफी जिंस, जो पूरी जिंस की नफी कर देती है, तो ये अपने इसम को, नसब और खबर को रफा देती है। जिसम कहते ना इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला, हुरूफ मुशब्बह बिल फेल हैं, ये अपने इसम को, नसब और खबर को रफा देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये है कि जो लाए नफी जिन से, ये भी अपने इसम को, नसब और खबर को रफा देती है, और इसकी जो है वो खबर जो है वो महदूफ है। वकाल बाद ज़ालिका, और उन्होंने उसके बाद फरमाया, मुआविया रदी अल्लाह अन्हु ने इसके बाद फरमाया, यानी जब अजान पूरी हो चुकी, बाद मा قال المؤذن, وقال بعد ما بعد ذلك ما قال المؤذن, और उसके बाद फरमाया कि जो मुअज्जिन ने कहा, यानी मुअज्जिन ने जब अजान कह दी, मुआविया रजी अल्लाह उन्होंने उसका पूरा जवाब दे दिया। उसके बाद फरमाया समियत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु मिसल ذلك, मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना आप इसी तरह फरमा रहे थे। तो माना यह कि इसी तरह मुअज्जिन की अजान का जवाब दिया, और हय्या अल सलाह, हय्या अल फलाह के मौके पर ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा। अस्सलातु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद अल अदान, अदान के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना। عن عبد الرحمن بن جبير مولى نافع بن عمرو القرشي يحدث انه سمع عبد الله بن عمرو يقول, عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه سے روایت ہے, فرماتے ہیں سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرما رہے تھے اذا سمعتم المؤذن, جب تم مؤذن کو سنو, فقولوا مثل ما يقول, پس تم کہو उसी की मिसल जो वो कह रहा है, जैसे वो अजान दे रहा है, तुम भी उसी की मिसल अजान का जवाब दो। वसल्लू अलैया, और मुझ पर दुरूद भेजो।
فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاتًا پس بے شک جس نے مجھ پر درود بھیجا صلاتن ایک مرتبہ درود بھیجنا صلی اللہ علیہ عشرن اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل کرے گا 10 مرتبہ تم صلی اللہ علیہ الوسیلت پھر تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو میرے لیے وسیلہ کا وسیلہ کیا ہے فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّتِ بس بے شک جنت میں یہ ایک مقام ہے ایک منزلت ہے لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ نہیں ہے لائق مگر اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کے لیے جنت کا سب سے اعلیٰ مقام جنت کی چوٹی کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے ایک تو جنت الفردوس ہے فردوس کے اوپر کی بھی چوٹی کہ جس کے اوپر اور کوئی مقام نہیں ہے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی چوٹی ہوتی ہے اس کے بغیر اس کی انتہا ہو جاتی ہے تو اسی طرح جنت کی جو انتہا ہے یہ ایک وسیلہ وسیلہ جو ہے یہ مقام ہے وسیلہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے اس سے کہ الوسیلہ کا معنی ہوتا ہے قرب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالی کی طرف تم قربت تلاش کرو تو وسیلہ کا معنی ہوتا ہے قربت کیونکہ یہ مقام جنت الفردوس میں سے بھی سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور عرش کے نیچے جو جنت کا سب سے پہلا محل آتا ہے وہ یہ وسیلہ کا مقام ہے فرمایا کہ نہیں ہے لائق مگر اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کے لیے ارجو ان اکون انا ہوا مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا فمن سأل لی الوسیلہ تھا بس جس نے میرے لیے وسیلہ کا سوال کیا اس مقام کا سوال کیا حلت لہ الشفاعت تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی سبحان اللہ قیامت کے دن بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان ہوگا دنیا میں اپنے کام کو نمٹانے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے کسی کے ساتھ کی لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ یا اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے تو اللہ اپنے بندے کی شفاعت کو رد تو نہیں کرے گا تو یہ اس بندے کے لیے شفاعت کریں گے جو اللہ کے رسول کے جس نے دنیا کے اندر اس وسیلے کا سوال کیا ہوگا مقام محمود ایک الگ چیز ہے اور یہ وسیلہ ایک الگ چیز ہے 678 کافی لمبی حدیث ہے آسان ہی ہے درود بھیجنے کا معنی کیا ہے درود ابراہیمی اذان کے بعد درود ابراہیمی بھیجنا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وہی جو ہم نماز کے اندر بھیجتے ہیں ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا آپ فرما رہے تھے اذا سمعتم المؤذن جب تم مؤذن کو سنو فقولوا مثل ما يقول تو تم کہو جیسے وہ کہتا ہے وصلوا علی اور مجھ پر درود بھیجو فانه من صلى علی صلاتا بس بے شک جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا صلی اللہ علیہ عشرن اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرے گا اللہ تعالیٰ درود نہیں بھیجتا اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے جیسے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تو مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ نبی پر خود درود جسے یعنی جاہل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں مشرک وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود نبی پر درود بھیجتا ہے درود کا معنی کیا ہوتا ہے کسی اور سے دعا کرنا کہ رحمت نازل کرے تو اللہ تعالیٰ کس سے دعا کرے گا کہ رحمت نازل کر اللہ تعالیٰ خود رحمت نازل کرتا ہے درود کا معنی اللہ کی طرف سے ہو تو معنی کیا ہوگا رحمت نازل کرنا اور اگر مخلوق کے لیے ہو فرشتوں کے لیے تو اس کا معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرنا ثم سأل اللہ لی الوسیلۃ پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کا سوال کرو فإنها منزلۃ فی الجنہ منزلۃ فی الجنہ بلا شبہ وہ جنت میں ایک منزل ہے ایک مقام ہے لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ نہیں ہے وہ لائق مگر اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کے لیے
ارجو ان اكون انا هو مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا فمن سأل لي الوسيلة بس جس نے میرے لیے وسیلے کا سوال کیا حلت له شفاعت تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی یہاں پر کوئی تعداد مقرر نہیں ہے کہ آپ نے کتنی مرتبہ درود بھیجنا ہے صرف ایک مرتبہ درود بھیجیں گے تو آپ اس حدیث کے مستحق ہوں گے جی ہاں ٹھیک ہے تو یہیں پر اتفاق کرتے ہیں سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک جی پہلی صف کی فضیلت بس اتنی فضیلت وارد ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے ہوتا ہے وہ تو ہر نماز کے سامنے بھی ہوتا ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ فرشتے اس کے اوپر خصوص طور پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں بالخصوص وہ کہ جو پہلی صف میں دائیں طرف ہوتے ہیں مقام محمود یہ شفاعت ہے درود کتنی قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے درود ماہی ایک ہوتا ہے درود لکھی ایک ہوتا ہے درود تنجینا ٹھیک ہے نا یہ سارے درود کی اقسام ہیں لیکن حدیث سے ثابت نہیں ہے درود ابراہیمی حدیث سے ثابت ہے یہ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے نام رکھے پوری کی وجہ وہ ایک میرے خیال میں کوئی کتاب بنے ہوئے ہیں اس میں درود کی جو نے ساری اقسام لکھی ہوئی ہیں تو حدیث کے اندر صرف درود ابراہیمی ہے جی شرکیہ کلمات بھی ہیں ان سے بچنا ضروری ہے تو قسم صرف ایک ہی ہے جی ہاں صرف درود ابراہیمی پڑھیں گے کوئی اور درود نہیں پڑھیں گے وہ صرف وہی درود پڑھ سکتے ہیں